नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। जेएसडब्ल्यू स्टील से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ आया, जिस वजह से स्टॉक के अंदर आपको ना सेलिंग देखने को मिल रही है और 2.5 से 3% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये सेलिंग होने का कारण क्या है? तो देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील को ना सेंसेक्स के अंदर से निकाला जा रहा है, और ये कब निकलेगा तो उसका भी डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दिसंबर 23 तारीख इसका ना लास्ट डेट है। दिसंबर 23 तारीख के बाद में आपको ना सेंसेक्स के अंदर ये जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा और नुकसान क्या रहेगा? तो देखिए, यहाँ पे ना जब कोई स्टॉक्स ना सेंसेक्स के अंदर आता है, जैसा भी जेएसडब्ल्यू स्टील को हटाकर ना जोमेटो को लाया जाएगा, तो जोमेटो का ना इनफ्लो बढ़ जाएगा और यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का ना इनफ्लो कम हो जाएगा। इनफ्लो मतलब एक तरह से जो स्टॉक को होल्ड किया जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि निफ्टी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो निफ्टी कैसे भागता है, तो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स भागेंगे तो निफ्टी भागेगा, बराबर। तो सेम चीज़ है कि इनके अंदर ना इन्वेस्टमेंट होने लग जाती है निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, तो इनका ना इनफ्लो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमको आज दिन गिरावट दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हटा दिया जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए स्टॉक को लेकर? तो देखिए, कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ पे बीच बीच में ये सब होता रहता है, हर स्टॉक के साथ होता रहता है। तो यहाँ पे ना एक लोअर लो पैटर्न भी देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है 880 रुपये का है, मतलब 950 पे ये ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे ये स्टॉक ना एक बार 880 के लेवल पे आ जाता है, फिर यहाँ से रिकवरी करता है तो पहला टारगेट जो रहेगा 960 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 1000 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशन सारे न्यूज़ बता दिए हम। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बस को रिकमेंडेशन है। जय हिंद।